ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। जोधपुर में दिनदहाड़े सरपंच समेत 5 लोगों की हत्या करने की योजना थी। जमीन विवाद और झूठे मुकदमे से परेशान बदमाश बदला लेना चाहता था। प्लान बनाने वाला रिटायर्ड फौजी हिस्ट्री शीटर उम्मेद सिंह है, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ गया है। जोधपुर पुलिस को इसकी भनक लग गई और 3 अलग अलग इलाकों मंडोर, माता का थान और सूरसागर से 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें अमित पारीख, ईश्वर सिंह, ईश्वर सोलंकी, उम्मेद सिंह, रावल सिंह और आयुष पंडित शामिल हैं। रात में उन पहाड़ियों पे जाकर के मोर्चाबंदी की गई, घेरा डाला गया। पूरी रात अंधेरा था, इसलिए उनको अगर पता लगता तो भी क्रॉस फायरिंग भी हो सकती थी। इस चीज को सारे को ध्यान रखते हुए करीब 3:30 बजे सुबह उनको जाके घेरा डाला और अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उनको पकड़ लिया। उनके पास में अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनकी सूचना पर 4 पिस्टल और मिली है। कुल मिलाकर के उनकी सूचना पर उनसे 6 पिस्टल और 127 वो अंडर 27 कार्टिज और 13 मैगजीन्स और 6 चले हुए कार्टूस ये मिले। इन बदमाशों से 6 पिस्तौल, 13 मैगजीन और 127 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामला जोधपुर कमिश्नरेट ईस्ट का है। इन सभी बदमाशों की गिरफ्तारी बुधवार सुबह 10:30 बजे दिखाई गई है। मंगलवार आधी रात से इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।